प्रतिभा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत बधाई थैंक यू आपको इनहेरिटेंस के लिए। थैंक यू चेता आप जी। बताइए इनहेरिटेंस क्या है? मुझे बहुत ज्यादा नहीं पता, लेकिन आपके शब्दों में जानना चाहेंगे कि क्या है ये। मुझे इतना पता है कि बहुत यूनिक है ये। इनहेरिटेंस हमारे जब जब हम एल्बम का नाम रखने की सोच रहे थे कि क्या नाम रखा जाए इस एल्बम का, सो दैट चाहे वो इंडियन लोग हो या वेस्ट के लोग हो, सब लोग इससे कनेक्ट कर पाए, क्योंकि जो हमारी विरासत होती है, जो हमारी धरोहर होती है, अगर उसको आप आगे लेकर बढ़ना चाहते हैं साथ में, तो किस तरह उसका एक कोई यूनिक नाम होना चाहिए, सो दैट एवरीबडी कनेक्ट्स टू इट इमिडिएटली। और क्योंकि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक ऐसा है जिससे जो हमारा बेस है, तो जब हमने ये एल्बम पूरी कर ली और अब बारी आई, तो दीपक जी और मैं बात कर रहे थे, सो ही लेफ्ट इट ऑन मी कि तुम सोचकर हमें बता दो, व्हाट एवर यू थिंक वील गो विथ दैट। जी और तभी बहुत काफी सोचने के बाद में ऐसा लगा कि इनहेरिटेंस एक ऐसा वर्ड है जो कि अगर हिंदी शब्दों में जाए तो हमारे इंडियंस को भी बहुत पसंद आएगा, और इट विल कनेक्ट टू वेस्ट ऑल्सो, जी क्योंकि एक इंग्लिश नाम रखने की इसलिए ही सोची, सो दैट पीपल इन वेस्ट ऑल्सो हु फॉलो इंडियन म्यूजिक, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, उनको भी इससे एक वो भी समझ पाए कि इनहेरिटेंस क्या है। सो इनहेरिटेंस इज बेसिकली अबाउट फोर इंडियन क्लासिकल ठुमरीज, ओके जो कि बहुत सालों से, सदियों से गाई जा रही हैं। चार ठुमरीज का समावेश है ये एल्बम इनहेरिटेंस। एक है सैया बिना, जो कि उस्ताद नज़ाकत अली खान साहब और सलामत अली खान साहब गाया करते थे। ये चारों ट्रेडिशनल ठुमरीज हैं जिन्हें हम लोगों ने रिप्रोड्यूस किया है, रिक्रिएट किया है, दीपक जी ने इसको रीअरेंज किया है, रिप्रोड्यूस किया है बहुत ही खूबसूरत तरीके से, और इसे इसे और ज्यादा नई जेनरेशन तक पहुंचाने के लिए कोशिश की है कि इसमें मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स या मॉडर्न अप्रोच रखते हुए वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक को भी इसमें शामिल किया है, बुडापेस्ट सिंफनी ऑर्केस्ट्रा को इसमें शामिल किया है। सो इस तरह से कोशिश की है कि हमारा हमारी धरोहर को साथ में रखते हुए, जी जो हमारा इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, जो हमारा बेस है, उसको साथ में रखते हुए मॉडर्न अप्रोच के साथ में उसको रिक्रिएट किया है, सो दैट इट रीचेस टू द नेक्स्ट जेनरेशन ऑल्सो, एंड कीपिंग इट्स ऑथेंटिसिटी इंटैक्ट, सो दैट इट डजन लूज इट्स ऑथेंटिसिटी, इट्स बेस। ओके तो इस तरह से कोशिश की है कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को आगे बढ़ाएं और आगे वाली जेनरेशन्स तक भी पहुंचे, सो दैट हमारा ये जो बेस है, जो हमारा म्यूजिक है, वो कभी कहीं गायब ना हो जाए। सो जिस तरह से आप वर्ड्स यूज कर रही हैं, ठुमरी या फिर और भी ऐसे क्लासिकल म्यूजिक के जो टर्म्स होते हैं, जो राग होते हैं, मैंने थोड़ी बहुत संगीत की पढ़ाई की है तो मुझे ये वर्ड्स पता है, लेकिन आपको अरे लगता वाह, है क्या बात कि हाँ, मैंने आई थिंक सिक्स और नहीं, एट्थ स्टैंडर्ड, 7th और 8th में मैंने संगीत की पढ़ाई की थी, तो राग यमन ये वो सारी चीजें, और वो हमें कुछ सिखाया जाता था, स्वर वगैरह सारी चीजें, तो ये नाम हमें पता है। बट आज की जनरेशन भूल चुकी है ये नाम, कि राग यमन क्या होता है, भैरवी क्या होता है, भैरव क्या होता है, ठुमरी जो आपने वर्ड यूज किया, आपको लगता है ये बहुत अच्छा प्रयास है लोगों को अपने इतिहास में ले जाने का और अपना जो बेस है वो समझाने का? बहुत जरूरी है ये, इतना अच्छा आप एग्जैक्टली समझ गए कि हम लोग ये क्यों कर रहे हैं। मुश्किल है थोड़ा सा, क्योंकि इन टुडेज टाइम वेयर एवरीबडी वांट्स टू बी ट्रेंडिंग एंड एवरीबडी वांट्स टू बिकम फेमस विद जस्ट वन सॉन्ग, इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू गो इन दिस पाथ, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है पहले तो, क्योंकि इंडियन क्लासिकल ऐसा 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 स्पेस है जहां पर आप गलतियां नहीं करना अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि इसकी एक थियोरी है, इसका एक डिसिप्लिन है। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक इज वेरी डिसिप्लिन्ड जी स्पेस, तो आप उसमें हम लोग गजलों में या फिर फिल्मी गानों में हम बहुत लिबर्टी ले सकते हैं, चाहे माइनर से मेजर में आना है या ऑगमेंटेड में जाना है, कहीं भी जाना है, हम बहुत इजीली जा सकते हैं, क्योंकि वहां पर कोई बंदिश नहीं है।
इसीलिए शास्त्रीय संगीत में इसीलिए बंदिशें गाई जाती हैं, क्योंकि वो राग और ताल में बंधी हुई होती है और आप उससे बाहर नहीं जा सकते, इसलिए उसको बंदिश कहा जाता है। नाउ उसको इंटरेस्टिंग बनाकर कैसे अपनी यंग जनरेशन तक पहुंचाए, जैसे कि हमने इसमें कोशिश की है, सो दैट यू नो पीपल हु आर ब्लेस्ड विथ म्यूजिक एंड हु वांट टू परस्यू म्यूजिक एज अ करियर एज अ प्रोफेशन, उनको, क्योंकि जो जिसके अंदर गायकी है, जो म्यूजिक में कुछ करना चाहते हैं, वो डेफिनेटली सोचते हैं कि मैं ऐसा भी क्या करूं कि लोगों को फटाक से एक नजर में मैं उनकी नजर में आ जाऊं। या तो वो कुछ ऐसा ट्रेंडी सॉन्ग बना देंगे ताकि आप रातों रात हिट हो जाएं, या फिर अगर वो केपेबल है कुछ और डिफरेंट करने के या कुछ अलग तरीके का म्यूजिक करने के, तो वो शायद इस जॉनर को, जो कि उनके दिमाग में आता ही नहीं है, शायद हमारे इस प्रयास से उनको एक ये भी जोन नजर आएगा कि ये भी ऐसे किया जा सकता है, यू नो, ठुमरीज एंड क्लासिकल म्यूजिक कैन ऑल्सो बी फन, कैन ऑल्सो बी, इसकी अप्रोच दूसरी तरह भी हो सकती है, जैसे कि हमने इसमें कोशिश की है विथ सिम्फनी, विथ न्यू एलिमेंट्स, जो कि हमने कोशिश की है, आई होप इट रीचेस टू द ऑडियंस। सो अपने इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को हम एक रॉक बैंड की तरह उसके अवतार में, अगर यू नो कहते हैं ना कि अगर एक भारतीय नारी अगर अपने वो जीन्स और यू नो बूट्स के लिबास में निकले तो भारतीय नारी कहीं से कम नहीं हो जाती, अंदर से तो वो भारतीय नारी ही रहती है। तो हमने अपनी भारतीय नारी को कोशिश की है कि वो एक मॉडर्न वे में प्रेजेंट करने की, सो दैट भारतीय नारी अपनी भारतीयता रखते हुए भी लोगों में, जस्ट बिकॉज दे वॉन्ट टू सी डिफरेंटली, तो अपनी ऑथेंटिसिटी रखते हुए वो लोगों से कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है। इफ वी डोंट कम्युनिकेट टू आर नेक्स्ट जनरेशन, हाउ विल दे नो कि हमारा म्यूजिक कैसा था, हमारा पुराना म्यूजिक जो हमारी संगीत का बेस है वो कैसे जानेंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू नो घर पे, जैसे आप एक मदर हैं, अभी आपने अपने बच्चों से बात की, अगर उनको अगर मैगी खाना है तो आप कोशिश करेंगे कि चलो बाहर मत खाओ, मैं उसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स डालकर तड़का लगा के मैं तुम्हें थोड़ा सा खिला देती हूँ। सो बोथ आर सैटिस्फाइड, सो दिस इज आर कोशिश। प्रतिभा जी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप लोगों ने ये एल्बम लता दीदी को डेडिकेट किया है। बिल्कुल ऐसा ही समझ लीजिए, क्योंकि कल मतलब इट वुड बी प्रोबेबली द सैडेस्ट डे ऑफ इंडियन म्यूजिक एंड आई थिंक वर्ल्ड म्यूजिक हमें कहना चाहिए, बट डेफिनेटली फॉर इंडियन म्यूजिक, कि ऐसी एक शख्सियत को हमने खो दिया कल। साक्षात तो नहीं होंगे हमारे बीच में, लेकिन ऐसे लोग, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ऐसे लोग कभी मरते नहीं हैं, अमर हो जाते हैं। तो लता जी अभी तक हमारे साक्षात थी, हम उन्हें देख सकते थे, सुन सकते थे, बात कर सकते थे, लेकिन अभी वो हमारे बीच अपने म्यूजिक के थ्रू रहेंगी। तो डेफिनेटली वी'ड लाइक टू डेडिकेट दिस एल्बम टू भारत रत्न लता मंगेशकर जी, और कोशिश यही रहेगी कि जो भी म्यूजिक के लोग हैं हमारे, सब इसको सुने, और यस, हम संगीत की सेवा इसी तरह जिस तरह से लता जी ने सारी जिंदगी अपनी म्यूजिक को डेडिकेट कर दी, तो हमारी भी यही कोशिश रहेगी कि यू नो अपने म्यूजिक के थ्रू थोड़ा बहुत जो भी संगीत की सेवा कर सकते हैं, तो यही हमारी कोशिश रहेगी, एंड डेफिनेटली वी'ड लाइक टू डेडिकेट दिस टू लता जी। ये सिर्फ म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए नहीं, बल्कि यू नो हर एक के लिए है। मैं, हम लोग चाहे वो नई जनरेशन हो, पुरानी हो, मिडिल एज हो, जो भी हो, लता जी के गाने ना सुने ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता हो ही नहीं सकता है। और वो चाहे आपका कोई भी मूड हो, हर मूड में उनके गाने फिट होते हैं, तो ये बात तो है। आपने कुछ सीखा है उनसे, लाइक एक होता है ना कि आप किसी को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं, तो इस हिसाब से लता जी से आपने कुछ खास जो सीखा हो आप शेयर करना चाहें? एक्चुअली अगर आप किसी भी म्यूजिशियन को ये पूछ लें कि आपका इंस्पिरेशन कौन रहा है, तो मुझे लगता है कि बिरले ही ऐसा कोई एक इंसान होगा जो ये कह दे कि लता जी उनकी इंस्पिरेशन नहीं रही है। मैं तो डेफिनेटली कहना चाहती हूँ, और मेरे जैसे बिलियंस लोग होंगे जो ऐसा मानते होंगे और ऐसा सोचते होंगे,
being a musician, it feels like a personal loss, you know, कि मेरा तो कभी भी ऐसा सौभाग्य नहीं रहा. और कल ही मैंने किसी एक इंटरव्यू में ऐसे कहा कि यू नो ये एक ड्रीम था विच नाउ कैन नेवर कम ट्रू, कि मेरा एक सपना सा था कि लता जी से मिलना है एंड अब वो कभी जिंदगी में पूरा नहीं हो पाएगा. बट फिर भी मतलब हर किसी के लिए ऐसा लगता है कि लता जी हमारी अपनी थी. जी बिल्कुल. तो लता जी को खोना एकदम पर्सनल लॉस के जैसा फील हो रहा है. और डेफिनेटली पहली बार अगर फिल्मी कोई गाना सुना था तो दैट वाज डेफिनेटली लता जी. हमारे घर पे हमेशा इंडियन क्लासिकल का माहौल होता था, ठुमरीज चलते थे, इंडियन क्लासिकल प्ले होता था, इंस्ट्रूमेंटल्स चलते थे, लेकिन फिल्मी कभी अगर कुछ सुना था तो वो डेफिनेटली मुझे याद है कि उनका शायद पहला गाना जो मैंने सुना था. फिर इतने सारे गाने उनके सुने एंड आई गॉट फैसिनेटेड टू हर वॉइस. उसके बाद से फिर मतलब इट वॉज नेवर एंडिंग. उनके जितने भी गाने होंगे मतलब तब से लेकर अभी तक, शी हैज ऑलवेज बीन वन दैट इज माई मोस्ट फेवरेट आर्टिस्ट. एंड डेफिनेटली मैंने बहुत उनके बहुत सारे गाने मैं हर शो पे गाती हूँ. और आज भी ऐसा लगता है कि उनका एक गाना अभी भी कितनी बार भी गाओ हर बार कुछ नया सीखने को मिलता है. शी वॉज द वन परफेक्ट सुर जिसको मतलब सुर भी सोचते होंगे कि हमें लता जी के पास भेज दो, हम कंप्लीट हो जाएंगे. तो शी वॉज वन सच आर्टिस्ट. तो डेफिनेटली शी वॉज इंस्पिरेशन टू मी, टू मेनी लाइक मी. ओके, जाते जाते क्या कहेंगी अपने फैंस को? इनहेरिटेंस आ रहा है, कुछ खास मैसेज देना चाहेंगी आप उन्हें? इनहेरिटेंस के लिए खास मैसेज यही है और रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप सब लोग जो लोग अपने भारतीय म्यूजिक से कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से अगर अपने बेसिक म्यूजिक से अगर दूर हो रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि ये हमारी धरोहर है, हमें इसे आगे लेकर जाना है. इफ वी डिडंट हियर लता जी देन, आज हम उनको याद नहीं कर पाते. तो हमारा पहले का म्यूजिक क्या था वो हम आज हमें पता चल रहा है कि कितना वैल्यूएबल है. तो जब हम कुछ कर सकते हैं अपने म्यूजिक की तरफ, जब हमारे पास वक्त है, जब हमारे पास मौका है, तो हमें डेफिनेटली अपनी धरोहर को बचाए रखने का प्रयास करना चाहिए. एंड इनहेरिटेंस इज ऑल अबाउट कीपिंग आर ऑथेंटिक म्यूजिक अलाइव. सो इट हैज हमरी अटरिया पे आओ रे सवरिया, इट हैज बीन संग बाय ग्रेट बेगम अख्तर जी, और इसका एडेप्टेशन है. एंड देन आपको मैंने बताया ही कि सैया बिना घर सुना नज़ाकत अली खान साहब और सलामत अली खान साहब की है. एंड देन बाबुल मोरा वी आर इंस्पायर्ड बाय जगजीत सिंह साहब वर्जन, बट इट हैज बीन संग बाय मेनी मेनी पीपल जैसे के एल सहगल साहब. और भी सदियों से चली आ रही है ये ठुमरी. एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसकी एक ठुमरी है लाखों के बोल सहे, जो कि हम लोग इंस्पायर्ड हैं गुलाम अली साहब की ठुमरी से. ये भी एक ट्रेडिशनल ठुमरी है. सो ऑडियंस से यही गुजारिश है कि आप सब लोग इस तरह का म्यूजिक जरूर करते रहें, क्योंकि यही हमारी धरोहर है, इसे हमें आगे लेकर जाना है. चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. थैंक यू सो मच. थैंक यू चेतना जी. थैंक यू सो मच. थैंक यू. बाय, टेक केयर. Bye-bye.